हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे हो मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक के ऐप पे आप चला रहे हो तो आप इसमें से जो एटीएम आता है वो आप कैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, मतलब आप एयरटेल पेमेंट बैंक का एटीएम कैसे आप घर बैठे मंगा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ मैं अपने आप अपने मोबाइल से आप अपने एटीएम कैसे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपल ही करना क्या है, एयरटेल थैंक्स बैंक ओपन कर लेना है, मतलब आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको नहीं है तो इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे अगर आपके पास भी है तो आपको यहाँ पे ओपन कर लेनी है एयरटेल थैंक्स ऐप्स। तो देखिए यहाँ पे मैं एयरटेल थैंक्स बैंक ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस आ जाएंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से, पोस्टपेड डीटीएच सब आ जाएंगे। देखिए आप ये सब सर्विस कर सकते हो एयरटेल थैंक्स ऐप से। आप देखिए आप बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, बहुत सारे सर्विस है, आप वो सब आप चेक कर सकते हो या फिर इसमें कर सकते हो। देखिए आप करना कि इधर भी सारे बहुत ऑप्शन, देखिए पोस्टपेड इलेक्ट्रॉनिक्स आप लाइट बिल सब भर सकते हो, मोबाइल से मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं। आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा माय सर्विस बैंक प्रोफाइल नोटिफिकेशन सेटिंग, यहाँ पे ट्रांजेक्शन बेनिफिट पिन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट ऑर्डर सब है। तो यहाँ पे करना है बैंक प्रोफाइल, आपको दूसरे वाला ऑप्शन है बैंक प्रोफाइल, तो आपको बैंक प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डेबिट कार्ड, देखिए डेबिट कार्ड रिवर 1 2 3 5 डिपॉजिट, यहाँ पे तीन ऑप्शन दे दिए है। देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी दे दिया है। देखिए यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे नेट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे दूसरे सिम में कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए अपने नेटवर्क का प्रॉब्लम इससे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, बाद में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप वीडियो को लाइव तक देखते रहना, यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ आप अपने मोबाइल से एयरटेल पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड मंगा सकते हो लाइव, अपने आप से अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं देखिए अभी दूसरे नेटवर्क चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप पहले अपने प्रोफाइल में चले जाए, यहाँ पे बैंक प्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपको बताया पहले ही, तो आपको डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आपको। देखिए आप यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड शो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मेरा शो हो जाएगा। आपके नीचे ऑप्शन दे दिया है 3.90 PNU, आपको 3.9 यहाँ पे पैसे आपको पे करने पड़ेगी। देखिए आप इसको पैसे आपको आधार एड्रेस पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे जो भी आपका डोनर्स में सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको आधार पे सिलेक्ट कर लेना है एड्रेस, कोई भी आपका डोनर में से एक एड्रेस क्लिक करके यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे 399 349 यहाँ पे मतलब पे करके अपना एटीएम कार्ड मंगा सकते हो।